शाबाश है तुम लोगों में। वो शख्स इतनी आसानी से हॉस्पिटल से भाग गया और तुम लोग मुंह देखते रह गए। क्या हुआ? ये दोनों जो बैठे हैं बाहर कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। कौन हो तुम? कौन? मुझे कमिश्नर उमर ने भेजा आपकी निगरानी के लिए। जी क्या लाऊं आपके लिए? अम्मी मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ खली। मेरी प्यारी अम्मी, कब जाएंगे हम? फिर हम लोग चलें? चलें। मैं फोन करती हूँ। ठीक है मनायत। खलील घर गया था, तुम्हारे नौकरों ने बताया कि तुम लोग यहां पर। आप बिलाओ जाए, हम लोग तो जा ही रहते हैं यहां से। चले मैं। सीमा मैं ये तुम्हारे लिए लाया था, अगर तुम रख लोगी ये फूल तो अच्छा लगेगा मुझे। अम्मी जान अब तो काफी अच्छी लग रही है मुझे। हम अपने घर चले सीमा। क्या क्या कह रहे हैं आप? किसके घर की, कौन से घर की बात कर रहे हैं आप? वक्त बहुत जाया हो गया सीमा, हम काफी वक्त पहले ही जाया कर चुके हैं। चलो सीमा। मैं अपनी खुशियां ढूंढ चुकी हूँ जो छीन ली गई थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा मिल गया मुझे। अब बेटी भी। कैसी है अम्मी? मनाहिल, यूसुफ वापस आ गया। अच्छा, वो वहां आ रहे। सुन रही हो? वो वहीं आ रहा है, पेस्ट्री शॉप। ठीक है अम्मी, कोशिश करो कि उस औरत का यूसुफ से सामना ना हो। अच्छा अम्मी, आप फिक्र मत करें। क्या हुआ? लैला, यूसुफ भाई वापस आ गए हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। तुम यहाँ से फौरन चली जाओ। अल्लाह मियाँ, जल्दी करो। लला आओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, मुझे नहीं जाना कहीं भी। एक बार हमें उनसे बात करने दो, फिर तुम सामने आ जाना लैला। खलील इसको कहीं ले जाओ। क्यों जाऊं मैं? जो होना है हो जाए। अब शबनम को छोड़कर आती हूँ। हाय हसन, हाय, क्या किया जर्मनी जाके? कुछ नहीं। बहुत समझाया उसे, बताया तो है तुम लोगों को, इतने अरसे यही कुछ करते रहे हम लोग। बताया उसे कि यहाँ क्या क्या गुल खिलाए हैं उसने, हमारी एक नहीं सुनी उसने। मैंने जो करना था कर लिया, अब वो खुद फैसला करे। तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या होगा? वो उसकी जान ले लेगा। वो बीवी है यूसुफ की, अब मैं क्या जबरदस्ती करूं उसके साथ? चलो बेटा चलो। चलो।
भाई ये घर देख रहे हो, ये घर लेने वाला था मैं, बस हाथ से निकल के नसीब में ही नहीं था। किस्मत देखो भाई, वो आगे से सीधे हाथ पे ले लेना। ठीक है। अब भी वक्त है सोहेला, मेरा तो ख्याल है वापस बर्लिन चलते। अस्तबल में कुछ नहीं रखा, यहां आकर तो जलील और ख्वार ही हुए। याद आ रहे फिर कोई क्या क्या कह रही हो? चली जाओ, हिम्मत खत्म हो गई है तुम्हें समझाने की मेरी। हसन, जो दिल चाहे तुम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। जाओ, चले जाओ बर्लिन, जाओ जाओ। खलील, लैला फालतू में जिद कर रही है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करें वो। फिक्र मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे सिर्फ अम्मी की फिक्र है, उन्हें लेके कहीं दूर जा सकते हैं तो ले जाएं। हाँ मैं समझ गया, मगर टेलीफोन अपना ऑन रखिएगा ताकि जब चाहे आपसे बात कर सकूं। तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है? तुम नहीं जा रहे साथ? अम्मी जी, एक मेरा एक अर्जेंट काम निकल आया है, आप मेहमत भाई के साथ चले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा आपके पास, ठीक है? बोर नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। अब आप ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, मैं फोन करता रहूंगा बार बार ताकि अगर आप परेशान हो तो आपको फौरन लेने आ जाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। मजबूरी है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। यूसुफ भाई आ गया। क्या हाल है कादिर? क्या हाल है यूसुफ भाई? खुश आमदेद। इंतजार मत करना, तुम यही कहा था ना तुम, देखो मैं आ गया। नहीं किया मैंने इंतजार। यूसुफ दुगान की बीवी को अगवा किया उन्होंने, लेकिन वो अपनी बीवी की तरफदारी करता भी तो कैसे? उसकी बीवी ने तो अपना ताल्लुक ही तोड़ दिया उससे। इतनी आसानी से मियां बीवी का ताल्लुक हो जाता खत्म? क्या सोच के किया तुमने ये बताओ क्यों मुझे? तुम मैंने तुम्हारे लिए सोचा था उस वक्त। तुमसे किसने कहा कि ये मेरे लिए अच्छा है? बदला लेना है मुझे।